क्या 4 जून के बाद पीओके भारत में मिलेगा? क्या नवंबर से पहले पीओके में कुछ बड़ा होगा? भारत में 400 पार पीओके के लिए एलओसी पर हर पार। क्या मोदी पीएम बनते ही पीओके को मर्ज कराएंगे? मोदी का थर्ड टर्म, इस बार पीओके कंफर्म। मिशन 400, सीएम योगी तिरंगा फहराने को बेताब। योगी की हार्ड लाइन, पीओके की डेड लाइन। एक तरफ पीओके में आजादी की आग धधक रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी तिरंगा लहराने को बेताब है। चुनाव के बीच बीजेपी ने दम भरा है कि बीजेपी की झोली में 400 पार सीटें डालिए और अब की बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान में होगा। हर रैली से बीजेपी के पीओके वाले बयान ने पाकिस्तान तक की नींद खराब कर रखी है। सीएम योगी की डेडलाइन ने पाकिस्तान में टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र पालघर से जब पीओके पर बयान दिया गया तो उसकी गूंज से पाकिस्तान तक में खलबली मच गई और बता दिया कि पीएम मोदी यानी बीजेपी का इस बार का एजेंडा सरहद का विस्तार है। सीएम योगी ने कहा कि मोदी के तीसरी बार पीएम बनते ही पीओके पर अधिकार होगा। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। एक तरफ हिंदुस्तान है जो गरज रहा है और कह रहा है कि इस बार पीओके लेकर रहेंगे, तो दूसरी तरफ पीओके के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे, जिससे घबराए हुए शाहबाज शरीफ पीओके के लोगों पर गोलियां चलवाने के बाद गिड़गिड़ाते दिखे और कहा माफ कर दो, गुस्सा छोड़ दो। शाहबाज शरीफ पीओके के खोने के डर से इतने खौफ में है कि पीओके जाने की हिम्मत तक नहीं हुई है। लेकिन सच ये भी है कि गोलियां चलवाने वाले शाहबाज शरीफ लोगों के दिल से उतर गए हैं, जिसके बाद से लोगों ने पीओके में लगे पाकिस्तान के झंडे को भी उतार दिया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हिंदुस्तान पीओके तक सरहद का विस्तार करने को तैयार है, उसकी डेडलाइन भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दी, जिसके बाद से पाकिस्तान अब चीन से लेकर के अमेरिका के आगे मदद की भीख मांग रहा है।